स्टीफन हॉकिंग जो दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट बनकर दुनिया के सामने आए, उन्होंने थ्योरी ऑफ सिंगुलरिटी, लॉज ऑफ ब्लैक होल और कॉस्मिक इंस्पिरेशन थ्योरी ऐसे कई सारे शोध लगाकर दुनिया की हेल्प की है। स्टीफन हॉकिंग ग्रेट साइंटिस्ट तो थे पर वो अपने शरीर की वजह से भी दुनिया में जाने जाते थे। स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की उम्र से ही एक ऐसी बीमारी लग गई थी कि उसमें वो ना ही बोल सकते थे, ना चल सकते थे और ना ही खाना खा सकते थे। और ये बीमारी होने के बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग से कहते हैं, आप सिर्फ इस दुनिया में 2 साल के मेहमान हो। लेकिन डॉक्टर की ये बात गलत साबित करके स्टीफन हॉकिंग 55 साल तक जिंदगी जीते हैं। और इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई जैसे बिग बैंग थ्योरी दुनिया के सामने रख देते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आधी से भी ज़्यादा लाइफ व्हीलचेयर पर गुजारी है। उस व्हीलचेयर पर एक अलग तरह का कंप्यूटर लगा था जिसे स्टीफन हॉकिंग अपनी बातें सामने वाले को समझा सके। इस कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए वो अपने जबड़े के एक नस का इस्तेमाल करते थे। स्टीफन हॉकिंग बॉडी में लगाए गए एक ट्यूब की वजह से खाना खाते थे और सांस लेने के लिए दूसरे ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। स्टीफन हॉकिंग का शरीर तो काम नहीं करता था लेकिन उनके पास जो ब्रेन था वो नॉर्मल इंसानों के ब्रेन से कई ज़्यादा इंटेलिजेंट था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक किताब में 6 भयानक भविष्यवाणियाँ की है। उन्हें सुनकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगेगा। उनके उस 6 भविष्यवाणियों में कहा है कि धरती का अंत कैसे होगा, तो आइए इस भविष्यवाणियों को जानते हैं। नंबर 1, रोबोट विल टेक ओवर द वर्ल्ड। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि कुछ ही सालों में रोबोट इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हो जाएंगे, जिसके कारण रोबोट कुछ ही सालों में इंसानों पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें कंट्रोल करने लगेंगे। हम इंसानों ने रोबोट को इसी कारण बनाया था कि वो काम को तेजी के साथ इंटेलिजेंट तरीके से कर सके, और रिसेंट टाइम में वो ऐसा करते भी हमें नज़र आते हैं। रोबोट टाइम के साथ काफ़ी इंटेलिजेंट और एडवांस बनाए जा रहे हैं। रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आने के बाद रोबोट्स ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो इंसान सोच कर करता है। स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि रोबोट टाइम के साथ काफ़ी एडवांस हो जाएंगे और वो दूसरे रोबोट को भी बना लेंगे, और रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसानों को भी कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 2, डेथ बाय फायरबॉल। अर्थ पर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि कई जगहों पर इसका असर भी हमें देखने को मिलता है। अर्थ पर पोल्यूशन बढ़ने के साथ अर्थ का टेम्परेचर लेवल भी बढ़ रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी प्रिडिक्ट किया था कि इस अर्थ का अंत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था 600 सालों के बाद धरती पर ना ही इंसान बचेगा ना जानवर, पेड़ भी सारे जल चुके होंगे और समुद्र का पानी भी सारा समाप्त हो जाएगा। हॉकिंग के मुताबिक अगर इंसानों ने वक्त रहते अगर पोल्यूशन को कम नहीं किया तो अर्थ का हाल भी शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगा, और 600 सालों के बाद अर्थ का टेम्परेचर 215 सेल्सियस हो जाएगा और आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसने लगेगा। नंबर 3, वी नीड टू फाइंड अनदर प्लैनेट। स्टीफन हॉकिंग ने रिसर्च करके बिग बैंग थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स एक बिग बैंग की वजह से बनी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि वक्त के साथ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एक रिसर्च के अनुसार हमारा यूनिवर्स 70 km/s स्पीड से दूर होता जा रहा है। हम आज के वक्त जिन गैलेक्सीज को टेलीस्कोप से देखते हैं उन्हें हम कुछ सालों के बाद देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो अर्थ के पास से लाइट की स्पीड से दूर जा चुके होंगे। एक वक्त के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होने के कारण यूनिवर्स में सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी और यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा अंधेरा होगा। इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि जीवन को अगर बचाए रखना है तो हमें ऐसी गैलेक्सी पता करनी होगी वहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती हो, और वहाँ पर किसी प्लैनेट पर बच जाना होगा। नंबर 4, ह्यूमन एग्रेशन एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विल किल द एंड। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि इंसानों द्वारा बनाई गई धरती पर मौजूद खतरनाक चीज न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण भी पृथ्वी का अंत हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए परमाणु युद्ध भी करेंगे, जिसके वजह से अर्थ के अंत को तो आगे ले जाएंगे पर वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसी का भी रिसेंट नतीजा आप रशिया और यूक्रेन और देख सकते हो। आप तो जानते होंगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब USA ने जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उन शहरों में लोग अभी भी इसके साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। नंबर 5, थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल लाइकली
न्यू साइंस। आज के वक्त में इंसानों ने ऐसी भी तरकीब ढूंढ निकाली है जिससे हमें जिस तरह का बच्चा चाहिए वो हम पा सकते हैं, लेकिन इस पर अभी भी पूरी तरह रिसर्च बाकी है। इस तकनीक से ऐसा होगा कि हमें जिस तरह का बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंट, हाइट में बड़ा, नीली आँखों वाला, तो हम उस बच्चे को जीन्स के बदलाव करके ऐसा बच्चा पा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे और इसी वजह से वक्त के साथ लोगों का डीएनए चेंज होने पर यह पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है और इससे ऐसे भी लोग तैयार हो सकते हैं जो शायद दिमाग से अलग ही हो या इंटेलिजेंट भी। नंबर 6, एलियंस विल रूल द अर्थ। स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और इसीलिए उनका पक्का दावा था कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं अर्थ छोड़कर भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। स्टीफन हॉकिंग का यह कहना था कि एलियंस एक ना एक दिन ज़रूर अर्थ पर आएंगे और अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक यूनिवर्स बना तब सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था और भी कई सारे बिग बैंग हुए थे। इसके नतीजे में अलग अलग यूनिवर्स बनकर तैयार हुई थी। लेकिन अभी तक तो किसी भी गैलेक्सी पर लाइफ तो नहीं मिली है, लेकिन हॉकिंग का ये पक्का मानना था कि एलियंस पहले तो अर्थ पर स्टडी करने आएंगे और वो धीरे धीरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टीफन हॉकिंग ने की 6 खतरनाक और भयानक भविष्यवाणियाँ। इन प्रेडिक्शंस में आपको कौन सी प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा सही लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए फैक्ट इन दी चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना।